हे गाइस, कैसे हो आप सभी। होप सो एकदम अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट कस्टमाइजेशन हमारे पोको F1 डिवाइस के लिए। इसको आप किसी भी डिवाइस पर ट्राई कर सकते हो। हम यहाँ पर कुछ थीम्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले एंड साथ ही साथ कुछ ऐप्स भी हम यूज़ करने वाले। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन अगर आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। चैनल को आपको यहाँ पर ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल सो गाइज, इस कस्टमाइजेशन को यूज़ करने के बाद आपके डिवाइस का जो लुक है काफ़ी हद तक यहाँ पर मिनिमल होने वाला है। आपको यहाँ पर एक मिनिमल टाइप की होम स्क्रीन देखने को मिल जाती है एंड साथ ही साथ आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है या फिर आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो भी आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर एक मिनिमल देखने को मिल जाता है। सो कस्टमाइजेशन काफ़ी गजब है, इसको आपको एक बार ज़रूर से ट्राई करना चाहिए आपके डिवाइस पर। सो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली एक थीम की, जो कि काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ किया है ऑलरेडी एंड साथ ही साथ उसके साथ हमें यहाँ पर एक लॉन्चर यूज़ करना है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छी तरह यहाँ पर मिनिमल टाइप की होम स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। तो लॉन्चर कौन सा ये मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं थीम। सो सिंपली थीम जो है आपको थीम स्टोर पर मिल जाता है बिना किसी दिक्कत के। वहाँ पर आपको जाना है थीम स्टोर पर एंड ये जो थीम है आपको वहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सिंपली डाउनलोड कीजिए एंड उसको कम्प्लीटली आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना। सो इसके बाद में जो लॉन्चर हम यूज़ करने वाले, इसकी साइज़ काफ़ी छोटी है एंड साथ ही साथ इसमें आपको कोई एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सो सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको लॉन्चर को यहाँ पर ओपन करना है। लॉन्चर को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको जाना इस लॉन्चर के सेटिंग में एंड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सो सिंपली यहाँ पर आपको जाना है होम के ऑप्शन में एंड होम के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हाइड स्टेटस बार, इसको आपको इनेबल करना है। साथ ही साथ हाइड नेविगेशन बार, इसको भी आपको इनेबल कर लेना है एंड यहाँ पर शो वॉलपेपर का ऑप्शन है, उसको भी आपको यहाँ पर इनेबल करना है। वेल सो सिंपली बैक प्रेस कर दीजिए। बैक प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है गेस्टचर्स का, उसमें जाना है आप। सो यहाँ पर आपको बॉटम टू टॉप स्वाइप का जो ऑप्शन है उसको सिंपली यहाँ पर डिसेबल कर देना है एंड बैक प्रेस कर दीजिए। हो गया आपका कस्टमाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट। सो यहाँ पर आपको एक कम्प्लीटली मिनिमल टाइप की होम स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है इस ऐप में, और भी कस्टमाइजेशन ऐप कर सकते हो इस लॉन्चर में। आपका जो होम स्क्रीन है वहाँ पे जो ऐप्स है उनको आप कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। सो यहाँ पर आपके हिसाब से आप अगर आप कोई भी ऐप अगर पिन करना चाहते हो होम स्क्रीन पर तो उसको पिन कर सकते हो। आपको सेटिंग में जाना है एंड वहाँ पर पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपके हिसाब से आप काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन इस लॉन्चर में कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं हमें इस लॉन्चर को कहाँ से डाउनलोड करना है। ये जो लॉन्चर आपको यहाँ पर सिंपली मिल जाता है गूगल प्ले स्टोर पर, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द एंड टाटा एंड बाय बाय।